दोस्तों, आप देख रहे हैं केटीएस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने का पब्लिक ने किया विरोध, पब्लिक के गुस्से का शिकार हुई पुलिस। भारत में लॉकडाउन के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। आइए देखते हैं लॉकडाउन के विरोध प्रदर्शन की कुछ झलकियां। मध्य प्रदेश के इंदौर में मास्क का उपयोग नहीं करने व गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत दिए। इस कार्रवाई के अनुसार एक अस्थायी जेल का प्रावधान रखा गया है, जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों को कुछ समय के लिए अस्थायी जेल में रखा जाएगा। कई सामाजिक संस्थाएं लोगों को मास्क वितरित कर रही है। वहीं दूसरी ओर महामारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कलेक्टर को आदेश दिए कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। नहीं कोई बात, क्या तकलीफ है आपके बच्चे का? अभी भी वही हालत है, क्यों नहीं उसका मास्क पहन ही नहीं पा रहा ना लेकर। नगर निगम पुलिस प्रशासन इतनी कोशिश कर रहा है इस बीमारी से बचाने के लिए, मास्क लगाने के लिए, उसके बाद में आप लोग इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं? किस अपनी गलती मानते हैं करते हैं सेकंड के लिए मैंने हटाया ताकि अच्छा कर रहा है काम, बढ़िया काम कर रहा है। जब दुकानदार इस चीज़ का पालन नहीं करेगा तो आपके आने वाले कस्टमर कैसे करेंगे? गणेश के पार्ट में देखा गया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। आज इनकी दुकान सील गई की गई है और उनको समझाइश दी गई कि आगे से ध्यान रखें। सर, आड़ा बाजार में इतना जाम हो रहा है, ये अपने वाटर है वहाँ के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नगर निगम की चीज़ पूरे इंदौर शहर में कार्रवाई कर रही है। जितने लोग कह रहे हैं नगर निगम पे वहाँ पे कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि उन लोगों से कुछ मिले जुली बात बता रहे हैं लोगों ने। अभी आड़ा बाजार में टीम भेज के दिखवा आड़ा बाजार में देख रहे हैं, लेकिन मैं 18,000 की बात कर रहा हूँ सर आप जी। 18,000 गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर के भी पूरे इंदौर शहर में कार्रवाई की जा रही है।